हेलो एवरीबॉडी, बहुत ही शॉर्ट बट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो चलिए पहले बात करते हैं उस इन्फॉर्मेशन की। वो इन्फॉर्मेशन रिलेटेड है नेशनल हाईवेज ऑफ इंडिया के ऊपर। ये रहा इंडिया का नॉर्थर्न मोस्ट पार्ट जम्मू कश्मीर, ये रहा ईस्टर्न मोस्ट पार्ट किबितू अरुणाचल प्रदेश में, ये रहा वेस्टर्न मोस्ट पार्ट ग्वार मोटा गुजरात में, और ये रहा कन्याकुमारी साउथर्न मोस्ट पार्ट। गाइस, जो हाईवे नॉर्थ से साउथ ओरिएंटेड होंगे, लाइक नॉर्थ से साउथ ओरिएंटेड हाईवे हमेशा इवन नंबर के होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे आप आगरा से मध्य प्रदेश की तरफ जा रहे हो, आगरा से भोपाल जा रहे हो, आगरा और भोपाल, आगरा नॉर्थ में पड़ता है, भोपाल साउथ में, तो उस नेशनल हाईवे का नंबर कुछ होगा इवन से, लाइक 8 हो सकता है, 20 हो सकता है, 24 हो सकता है, इवन होगा। और इसी तरह से अगर कोई हाईवे ईस्ट वेस्ट ओरिएंटेड है, उसके नंबर होंगे ऑड। एग्जाम्पल के तौर पे मेरे को अमृतसर से कोलकाता की तरफ जाना है, तो अमृतसर पड़ता है वेस्ट साइड में और कोलकाता पड़ता है ईस्ट साइड में, तो उस हाईवे का नंबर होगा कहीं ऑड नंबर, और है भी NH1 है उसका नंबर। इसी तरह से नॉर्थ साउथ इवन नंबर और वेस्ट और ईस्ट ऑड नंबर। एक बात इसमें और आती है कि मेरे पास अब नेशनल हाईवे 8 है और नेशनल हाईवे 44 है, पता तो लग गया कि नॉर्थ टू साउथ होंगे, लेकिन इंडिया के कौन से पार्ट में हो सकते हैं हमको ये भी पता करना है। उसके लिए भी एक तरीका है, जो हाईवे नॉर्थ साउथ ओरिएंटेड होंगे वो इवन नंबर के होंगे, लेकिन वो ईस्ट टू वेस्ट असेंडिंग ऑर्डर में होंगे। कहने का मतलब नेशनल हाईवे 8 ऊपर से नीचे जा रहा होगा कहीं ईस्ट साइड में, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ साउथ जा रहा होगा कहीं ईस्ट साइड में, और नेशनल हाईवे 44 कहीं जा रहा होगा वेस्ट साइड में होगा, लेकिन जा रहा होगा वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। बात समझ आई? और इसी तरह जो हाईवे ईस्ट वेस्ट ओरिएंटेड होते हैं वो ऊपर से नॉर्थ से साउथ असेंडिंग ऑर्डर में होते हैं। बात समझ आई? कंफ्यूज मत हो जाना कि असेंडिंग ऑर्डर में, क्योंकि इसमें नॉर्थ साउथ में हमेशा कंफ्यूजन होता है। एक बार दिमाग में बैठा लो, फिर कभी नहीं भूलोगे आप, और हमेशा आपको पता रहेगा कि हम जिस हाईवे पे जा रहे हैं वो इंडिया के कौन से पार्ट में है, और आप पता कर सकते हो। और इस तरह का क्वेश्चन भी आपको हो सकता है कि कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आ जाए। उससे पहले आप थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी पढ़ लीजिए। इंडिया दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क है, जिसकी टोटल लेंथ है 60 लाख किलोमीटर, और उसमें से नेशनल हाईवे 1,42,126 किलोमीटर है, जो कि पूरे रोड नेटवर्क का 3% पार्ट है। और इसको ये नेशनल हाईवे जो बिलोंग करते हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे को करते हैं, और इसको मैनेज करती है NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एंड नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, यानी कि NHIDCL, और पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट यानी कि PWD, उस स्टेट गवर्नमेंट्स के इसको मैनेज करते हैं, इसकी अपग्रेड के लिए, इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए, रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए, ये सारा काम उन्हीं के हाथ में है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है किसी भी कंट्री का। तो कैसी लगी आपको ये इन्फॉर्मेशन? अगर आपको इन्फॉर्मेशन इंटरेस्टिंग लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को जितना हो सकता है ग्रो करें। ग्रो होने के बाद ही मोटिवेशन मिलेगा, ज़्यादा व्यू आएंगे, तभी मन करेगा और ऐसी वीडियो बनाने में। आपका बहुत बहुत थैंक यू।